श्रीनिवास प्लीज हेल्प, इंजेक्शन चाहिए। दिलीप पांडे, मेरे भाई को बचा लीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। चैरिटी बेड्स, प्लीज बताइए दिल्ली में किस अस्पताल में आईसीयू बेड मिलेगा। ऐसे मैसेज ट्विटर, फेसबुक, मोबाइल हर जगह हैं। लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। शायद आत्मनिर्भर भारत का मतलब यही था। तुम सब अपना अपना देख लो। जमीनी हालात तो छोड़ ही दीजिए, जिस इंटरनेट पर ट्रोल की फौज खड़ी की गई, जब उस डिजिटल भारत के असल टेस्ट का टाइम आया तो सब फेल हो गए। सरकार के सारे ई गवर्नेंस फेल साबित हो रहे हैं। सवाल है कि कहां है आरोग्य सेतु ऐप? इसकी लॉन्चिंग से लेकर पब्लिसिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जो काम सरकार को करना था वो काम श्रीनिवास, कुमार विश्वास, अनस तनवीर, शालीन और हजारों इन जैसे असली वॉरियर कर रहे हैं। इसलिए हम इस सिस्टम नाम वाली सरकार से पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? भारत में कोरोना ब्लास्ट हो रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं है, 2000 की दवा 40,000 में मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार दावा कर रही है कि सब कंट्रोल में है, किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जिस सोशल मीडिया पर नेता और मंत्री मामूली सरकारी ऐलान पर भी पीएम का आभार लिखते थकते नहीं है, वो क्यों मदद की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? लेकिन जब सरकारी सिस्टम लाचार जनता की त्राहिमाम की पुकार नहीं सुन रहा हो तो लोग ही एक दूसरे के लिए खड़े हो गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन कहां फेल है। अप्रैल 2020 में सरकार ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अब तक करीब 10 करोड़ लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। जब लॉन्च हुआ तो केंद्र सरकार ने दावा किया कि ये ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरों से आगाह करने में मदद करता है। लेकिन जिस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लोगों पर एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन पर जोर डाला गया, उसे कैसे नहीं पता चला कि भारत में कोरोना बम फूट रहा है? इसका काम ट्रेसिंग का था ना, तो क्या सरकार इसे बनाकर भूल गई? जब कोरोना ने भारत में एंट्री की थी तब सरकार ने आरोग्य सेतु से लेकर जन औषधि, सुगम मोबाइल ऐप और आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया था। आयुष संजीवनी ऐप कौन सा संजीवनी बूटी साबित हुई? इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और कोविड-19 की स्थिति में खुद को स्वस्थ रखने के लिए उपायों को समझाने के लिए आयुष संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया। आयुष संजीवनी ऐप से तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने का नुस्खा दिया गया था ना, फिर अचानक इस देश का इम्यून कमजोर कैसे हो गया? अब इन्हें कौन बताए लोगों को ऐसे सुझाव वाले एप्लीकेशन की जगह ऑक्सीजन वाली संजीवनी बूटी चाहिए। और इस संजीवनी बूटी पटना के गौरव राय, जिन्हें ऑक्सीजन मैन कहा जाता है, जामिया इलाके के शारिक वसीम, गुड़गांव की हेमकुंड फाउंडेशन, मुंबई के कुम्हारवाड़ा इलाके की फूल वाली मस्जिद कमेटी जैसी बहुत सी संस्था और लोग कर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, अगर ये आम लोग जैसे दिखने वाले हीरो नहीं होते तो सोचिए क्या होता। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप बनाया गया ताकि लोगों को अपने नजदीकी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का पता लगाने और किफायती जेनरिक दवा हासिल करने में मदद मिले। अब कोई ये पूछे कि क्या रेमडेसिविर जैसी दवाओं के लिए भटक रहे लोगों के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता क्यों नहीं बनाया गया? पटना, दिल्ली, दरभंगा, वाराणसी, फरीदाबाद से दवाओं के लिए लोग SOS कॉल कर रहे हैं। सरकार इसके लिए कोई रास्ता क्यों नहीं निकालती? क्यों फैबी फ्लू की दवा के लिए पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के ऑफिस जाना पड़े लोगों को? क्यों सोशल मीडिया पर गुहार लगानी पड़े? क्यों नहीं सीधा अस्पताल और मेडिकल स्टोर पर दवा पहुंचे और कालाबाजारी पर रोक लगे? क्यों इंडियन यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास से कहना पड़ रहा है कि भाई प्लीज इंतजाम कर दीजिए? क्यों बिहार के जौहर सिद्दीकी को मैसेज करके लोग कह रहे हैं कि प्लीज मेरी माता जी अस्पताल में हैं, टॉक्लिजुमैब इंजेक्शन मंगा दीजिए। दवा तो छोड़िए, जिस सरकार को डॉक्टर्स, नर्स, फ्रंटलाइन वर्कर के खाने की चिंता होनी चाहिए थी, उसकी चिंता 22 साल तक स्कॉटलैंड में रही पुणे की आकांक्षा सादेकर कर रही हैं। आकांक्षा फ्रंटलाइन पर काम कर रहे डॉक्टर्स, नर्स और बाकी स्वास्थ्य कर्मियों तक अपने हाथ से बना खाना पहुंचाने का काम कर रही हैं। यही नहीं,
लोगों तक अस्पताल में बेड से लेकर प्लाज्मा की सही जानकारी पहुंच सके, इसकी जिम्मेदारी भी आत्मनिर्भर भारत के युवाओं ने उठाई है। इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन का टेलीग्राम ग्रुप COVID-19 इंस्टेंट हेल्प, उसका फेसबुक पेज और ट्विटर, फेसबुक पर 18,000 सदस्य वाला प्लाज्मा डोनर ग्रुप, या फिर सैकड़ों पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट सब हाथ बढ़ा रहे हैं। ये ग्रुप्स घंटों मीटिंग हुई ऐसी कोई फोटो नहीं डाल रहे हैं, बल्कि बिना किसी पैसे, बिना किसी टैक्स लिए निस्वार्थ लोगों की जान बचाने के लिए लगे हुए हैं। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करने वाली पार्टी, व्हाट्सएप के जरिए घर घर पर अपना एजेंडा पहुंचाने वाली सरकार लोगों तक दवा, ऑक्सीजन, मदद क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? क्यों नहीं कोई सरकारी यूनिवर्सल हेल्पलाइन नंबर है, या फिर कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां लोगों को बेड, अस्पताल, दवा सभी जानकारी एक जगह मिल सकती? कोरोनिल वाले बाबा का प्रचार करने की जगह अगर ऐसे ही सेल्फ ग्रुप की सरकार मदद करती तो सच में ये देश आत्मनिर्भर बनकर कोरोना को हराता। लेकिन फिलहाल सांस अटकी पड़ी है और लोग पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे?